हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आपने थंबनेल और टाइटल देखकर आपको पता ही चला होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइज, आज हम डिस्कवर 100 को कोल्ड स्टार्ट करने वाले हैं। आपने उसकी कंडीशन देखी होगी स्टार्टिंग में। तो गाइज, वीडियो के साथ बने रहिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर दीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार, ये है ये बजाज डिस्कवर 100। इसकी आप कंडीशन देख सकते हो कि कितनी बुरी हो चुकी है। ये सीट बीट फट चुका है पूरी तरह से और ये गाड़ी पूरी तरह से सड़ चुकी है। तो गाइज, इसे हम करने वाले हैं कोल्ड स्टार्ट। ये देखिए गाइज, इसका इंजन, ये इंजन की भी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। तो गाइज, आप देख सकते हो ये पूरी तरह से सड़ चुकी है बाइक। तो गाइज, हम इसे आज कोल्ड स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे आज चालू होगी कि नहीं होगी। ये देखिए, चैन वगैरह सब कुछ पूरी तरह से सड़ चुका है, सब भंगार हो चुका है। तो गाइज, इसे हम स्टार्ट करने वाले, ये यहाँ स्टार्ट नहीं होगी। तो मैं इसे पहले टोचन करके ले जाऊंगा मेरे पास और वहाँ इसे स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इसके प्लग वगैरह शॉर्ट हो चुके होंगे। वायरिंग बीरिंग मुझे चेक करनी पड़ेगी। तो यार, मैं पहले इसे टोचन करके लेकर जाता हूँ, बाद में स्टार्ट करूँगा। तो गाइज, बारिश की वजह से इस बाइक में जंग लग गया है और गाइज, इसके व्हील्स के बेयरिंग वगैरह होते हैं वो ख़राब हो चुके हैं, इसलिए ये बाइक बहुत जाम आ रही है। ये बाइक पूरी तरह से जाम हो चुकी है, फिर भी हम इसे टोचन करके अपने घर ले जाएंगे और वहाँ इसे स्टार्ट करके देखेंगे, क्योंकि इसके आगे वाले पार्ट्स आने वाले हैं, वो रिस्टोरेशन के होने वाले हैं। तो गाइज, चलिए मैं पहले इसे टोचन कर लेता हूँ, रस्सी से बांध लेता हूँ और इसे लेकर जाता हूँ। तब तक आप वीडियो एंजॉय कीजिए। बस बस तो गाइज़, हम बाइक लेकर आ चुके हैं। तो गाइज़, इसे अब हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ अच्छी तरीके से। तो गाइज़, ये देखिए, इसकी चेसिस इसमें पूरी तरह से गंज लग चुकी है और गाइज़, ये देखिए, इसके शॉकर्स लाइट पूरा फेड हो चुका है। ये देखिए, इसके इंजन, इंजन में भी बहुत कुछ डैमेज दिख रहा है। फिर भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टार्ट करनी है आज, हमें कोल्ड स्टार्ट करना ही है। ये देखिए इसकी वायरिंग, ये देखिए सब कुछ चेसिस वगैरह सड़ चुका है। हम चेक करेंगे बारी बारी से कि ये चालू होगी कि नहीं होगी। हम पहले प्लग वगैरह चेक करेंगे, कार्बोरेटर वगैरह चेक करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि स्टार्ट हो रही कि नहीं स्टार्ट हो रही है। ऐसे देखिए, इसके थोड़े बाद पैनल्स भी गायब है, साइड पैनल इसके नहीं है, ये गायब है, ये कहाँ गए हमें पता नहीं। उसके साथ नहीं थे बाइक के साथ, ये साइड पैनल नहीं थे। तो गाइस, ये बाइक 4 साल से ऐसे ही खड़ी थी और बारिश में धूप में ऐसे ही सड़ रही थी, इसलिए इसकी हालत ऐसी हो चुकी है। सीट की हालत आप देख सकते हो क्या हो चुका है। तो गाइस, हम अब टैंक को रिमूव करेंगे और इसे एक्सटर्नल पेट्रोल देंगे, क्योंकि टैंक जो इसका लॉक होता है वो चोक हो चुका है, तो इसे हम एक्सटर्नल फ्यूल देंगे। यार, पहले हम बाइक में चेक करेंगे, सबसे पहले बाइक में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यार, बारिश का मौसम है, आप देख सकते हो बाहर, इसलिए हम अंदर गाड़ी लेकर आए हैं। ये देखिए गाइस, बाइक में करंट आ रहा है। बाइक को पेट्रोल देंगे, पेट्रोल सप्लाई देंगे और स्टार्ट करके देखेंगे कि स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये देखिए, हम दूसरी बाइक की पेट्रोल निकाल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं।
पेट्रोल हमें बहुत हुआ स्टार्ट करने के लिए बाइक को। तो यार देख सकते हैं पेट्रोल से मेरा आज गीला हो चुका है, गीला ही कर दिया। मैं टाइट है पाइप यार, इसका पाइप टाइट है तम तम, हमें कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। ये देखिए गाइस प्लग की हालत, इसे बाहर निकालता हूँ। ये देखिए गाइस हाफ थ्रेड का प्लग है, ये इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। यार गाइस हमने कुछ इस तरह जुगाड़ किया है पेट्रोल का, ये ऑयल का कैन है, शॉकर ऑयल होता है उसका कैन है, उसमें हम लगा कर उसमें पेट्रोल डाल दिया है। इसमें से अब देखिए यार, चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले पेट्रोल को छोड़ते हैं। ठीक तो गाइस लगभग 10 से 20 मिनट हो गए, बाइक अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो गाइस अब चेक करेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो गाइस ये देखिए, ये देखिए पूरा मिरिंडा होता है वैसे ही हो गया है, लिमका ठंडा होता है जैसा। ये पानी की वजह से ऐसा हुआ है, 2-3 साल से इसमें पानी था इसलिए ऐसा हुआ है। पहले हम इसे निकाल लेते हैं, इसके बाद गाइस हम बाइक को स्टार्ट करके देखेंगे। तो गाइस हम कार्बोरेटर में पानी था उसे सब हमने निकाल दिया है, अब हम किक मार के स्टार्ट करके देखेंगे कि स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। चालू है ना
गाइस आधा घंटा हो चुका है लेकिन बाइक अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है। हम ट्राई करते रहेंगे। तो गाइस ये देखिए बाइक अपनी फाइनली स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस इसे हम फिर से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट हो चुकी है फाइनली। तो गाइज ये धुआं दे रही है बाइक क्योंकि ये 4-5 साल से बंद थी इसलिए ये धुआं दे रही है। पेट्रोल खत्म है। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो यार एक लाइक ठोक देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और गाइज इस बाइक का नेक्स्ट पार्ट आने वाला है इसका रिस्टोरेशन का, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो गाइस चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।